दोस्तों छठ भी मौसम फकर में खुश आमदेद। सागर का ब्लेंडर जनाब पड़ गया है। गहलोत वजी अजम शहबाज शरीफ इस मरतबा मुश्किल का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसहाक डार साहब से वजारत खारजा का कलमदान एक मरतबा फिर वापस लेने का बड़ा मुतालबा सामने आ गया है। और इस मौके पर जब ये सारी सूरत हाल डेवलप हो रही थी, इस्टेब्लिशमेंट भी एक ऐसी ऑकवर्ड पोजिशन में आकर खड़ी कर दी गई है इसहाक डार साहब के इस ब्लंडर की वजह से, कि अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मुझे ऐसे लगता है कि वाज़ह तौर पर यह पैगाम बल्कि ये हुक्म पहुँचा दिया गया है कि जनाब अब आपके सामने ऑप्शन बड़ी वाजें हैं, सेम पेज या इसहाक डार, इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन को कबूल करना है। और इसहाक डार का मतलब यह है कि अगर आप वन पेज बरकरार रखना चाहते हैं तो फिर आपको इसहाक डार की कुर्बानी देना होगी और इसहाक डार को वफाकी काबीना से गेट आउट करना होगा। लेकिन अगर आप इसहाक डार को अपनी काबीना में शामिल रखना चाहते हैं तो फिर सेम पेज के हवाले से जनाब जो आपकी उम्मीदें हैं वो शायद पूरी ना हो सकें। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट को जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ये ऑप्शन देने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और सबसे बढ़कर ये कि जनाब इसहाक डार साहब का ब्लंडर क्या है। ये बात तो तय है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं कि इस वक्त हमारी वफाकी हुकूमत से ज़्यादा SIFC के प्लेटफॉर्म से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब एक एक डॉलर के लिए दुनिया भर से राबते कर रहे हैं। और उनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, और इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए वो हर तरह की यकीन दहानी भी कराने के लिए तैयार हैं। और ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके हवाले से दो ममालिक को सबसे ज्यादा फौकियत हासिल है, एक है सऊदी अरब और दूसरी है चाइना। अभी रिसेंटली IMF के साथ जो डील हुई है, IMF के साथ जो पाकिस्तान ने 3 साल का एग्रीमेंट किया है $7 अरब में के लिए, उसके लिए भी सऊदी अरब और जनाब चाइना की तरफ से दी जाने वाली यकीन दहानी के बाद ही ये प्रोग्राम फाइनल हुआ है। चाइना और सऊदी अरब ने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि ये जो पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स के अंदर उन्होंने अपने डॉलर्स बतौर अमानत यहाँ पर रखवाए हुए हैं, वो इस डॉलर्स को वापस नहीं लेंगे अगले 3 साल के लिए। और उनकी तरफ से इस बात की भी यकीन दहानी कराई गई है कि वो पाकिस्तान की मईशत को चलता रखने के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब अगर कोई भी हो, चाहे वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो या मौज़म फ़ख़र हो, इन दोनों में से या हम में से कोई भी अगर इस इन्वेस्टमेंट के तमाम जो फैब्रिक है, इसका जो तमाम का तमाम जाल है या इसके लिए जो जो एफर्ट्स की गई हैं उनको अगर सबूताज करने की कोशिश करेगा तो आपका क्या ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट उसको माफ़ कर देगी? यकीनी तौर पर नहीं। और उसके लिए जो सख्त तरीन जो उसके लिए सज़ा है वो उसको दी जाएगी। और किसी भी वजीर के लिए ये सबसे बड़ी सज़ा हो सकती है कि जनाब उसको उसकी वजारत से हटा दिया जाए। और ये इसहाक डार साहब जो हैं ये उनके लिए ये कोई पहली मरतबा नहीं है कि उनको सख्त वार्निंग्स दी गई हों। इससे पहले भी इसहाक डार साहब को एक से ज़ायद मरतबा इस बारे से मना किया गया था कि जनाब मईशत अब आपका सब्जेक्ट नहीं है, मईशत के हवाले से मुँह मारने की, मईशत के हवाले से इधर उधर की खुरलियों पर जाने की आपको कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है। आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस इंजॉय करें, और वजारत खारजा के मामलात को तारक फातमी साहब जो इस तरह हैंडल कर रहे हैं उनको करने दें, आपका इस मामले से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन वो भी इसहाक डार साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब के जो बड़े भाई हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म साहब, उनके वो समदी हैं, लिहाजा वो पाकिस्तान की जो इस वक्त की पॉलिटिक्स है या हुकूमत है इसको भी इसी तरीके से चला रहे हैं जैसे चलाना चाहिए। ताज़ा तरीन वाक़िया ये हुआ है कि आज से 2 रोज़ पहले पाक चाइना सेंटर के अंदर एक तकरीब मुनक्कद थी, और उस तकरीब के अंदर पाकिस्तान में चाइना के सफीर जियांग ज़ाइस्टुंग वहाँ पर मौजूद थे, उसके मेहमान खुसूसी थे। और इस तकरीब के अंदर वज़ीर खारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब भी मौजूद थे। तकरीब बड़ी अच्छी चल रही थी, चाइनीज़ जो एम्बेसडर थे वो अपनी तकरीर करके जा चुके थे, और अपनी तकरीर के अंदर उन्होंने किसी तरह की कोई मुतनाज़े बात नहीं की थी, और उन्होंने पाक चाइना रिलेशन्स के हवाले से गुफ्तगू की और पाक चाइना टाइस को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के हवाले से उन्होंने इजहार ख्याल किया। वो अपनी सीट पर बैठते हैं और उसके बाद
जनाब क्लोजिंग रिमार्क्स का टाइम आता है, चूंकि मेहमान खुसूसी थे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब, उन्होंने जाना था और उन्होंने तकरीर करनी थी और उसके बाद तकरीब का इख्तिताम हो जाना था, लोगों ने चाय पीनी थी, अपने अपने घरों को लौट जाना था। इस मौके पर जनाब इसहाक डार साहब, चूंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, तकरीर के दौरान इसहाक डार साहब ने वो जो लिखी हुई उनको तकरीर दी गई थी जो चाइनीज सफारत खाने ने जिसको वेट किया था कि हाँ जी ये तकरीर है, हमें इसके कॉन्टेंट पर किसी तरह का कोई एतराज नहीं है, उस तकरीर से हटकर जनाब इसहाक डार साहब ने अपनी मर्जी का तड़का लगाना शुरू कर दिया और बाज ऐसी बातें कर दी उन्होंने जो चाइनीज पॉलिसी के हवाले से बहुत ही ज्यादा नुकसान देती। अब यह बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि हालिया दिनों में सिर्फ पाकिस्तान के अंदर चाइनीज बशिंदों पर होने वाले हमले और चाइनीज इंजीनियर्स और चाइनीज बशिंदों की इमवात, वो चाइना के लिए एक बहुत बड़ा एक इशू है और उसके नतीजे से ये जो धासू डैम का प्रोजेक्ट है इसके ऊपर काम रुक गया था। और ये बात कही गई थी कि जनाब अगर हमारे इन चाइनीज इंजीनियर्स के कातलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनको सजा नहीं दी जाएगी, तो उस वक्त तक ये धासू डैम के ऊपर काम शुरू नहीं किया जाएगा। और फिर जनाब वजीर खारजा और वजीर आजम की दौड़े लगी थी और जाकर उन्होंने चाइनीज जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि जनाब आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी ऐसा हुआ। अभी रिसेंटली ये जो इजलास हो रहा था SAC का पाकिस्तान के अंदर, इस इजलास से पहले भी पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा वाकया हुआ था जिसके नतीजे में चाइनीज डेलीगेशन की जो है वो उन पर हमला किया गया और वो जान से मारे गए, लेकिन इसके बावजूद भी चाइनीज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। अब अपनी तकरीर के दौरान इस इन कुर्बानियों का वजीर खारजा साहब को जिक्र करना चाहिए था, लेकिन इसकी बजाय वजीर खारजा साहब ने इस बात का जिक्र किया कि एक दौरे के दौरान जब वो बीजिंग में मौजूद थे और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ वो मुलाकात में मसरूफ थे, तो चाइनीज प्रेसिडेंट जी ने जनाब डेलीगेशन को बताया, जिसके अंदर वजीर आजम साहब भी मौजूद थे, कि चाइनीज गवर्नमेंट किसी ऐसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करती चाहे उसको जितना मर्जी ही प्रॉफिट क्यों ना मिल रहा हो, जहां पर उसके इंजीनियर्स और उसके बाशिंदे यानी उनके शहरियों की सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर ना की जाए। और पाकिस्तान को इस हवाले से एक्सेप्शन हासिल है, यानी पाकिस्तान के अंदर जितने मर्जी चाइनीज जो हैं वो हमलों में मारे जाएं, यहाँ पर चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखेगा। और ये एक ऐसा जुमला था, ये एक ऐसी स्टेटमेंट को जनाब वजीर खारजा ने चाइनीज प्रेसिडेंट को कोट करके की थी, जिसको ऑफिशियली अगर उन्होंने ये बात कही भी थी तो इसको ऑफिशियली किसी भी तौर पर पब्लिक फोरम के ऊपर एक तकरीब एक सेमिनार के अंदर डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि वजीर खारजा साहब को जो है वो खारजा अमूर की बारीकियों का शायद इल्म नहीं है, या वो अपने इस रिश्ते पर कि वो जनाब नवाज शरीफ साहब के समधी हैं वो हर तरह के असूल जवाबत को पामाल करते हैं, उन्होंने ये ना सिर्फ बात कह दी बल्कि उसके बाद जनाब ये तकरीब खत्म हो गई। वो नीचे उतर आए अपनी तकरीर खत्म करने के बाद, और अनयूजुअल इवेंट ये हुआ कि उसके बाद जो चाइनीज सफीर हैं जियांग ज़ाइडुंग साहब, जो अपनी तकरीर मुकम्मल कर चुके थे, वो दोबारा उठे हैं अपनी नशिस्त से, दोबारा पोडियम पर गए हैं और दोबारा उन्होंने खिताब किया। और उस खिताब के अंदर उनका यह कहना था कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी CPEC को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी रुकावट है, आप चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के बगैर CPEC नहीं चल सकता, 6 माह में 2 मोलक हमले नाकाबले कबूल हैं, हुकूमत पाकिस्तान को चीन मुखालफ दहशत गर्दों के खिलाफ क्रैक डाउन करना होगा, जब तक महफूज माहौल फराहम नहीं किया जा सकता ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सकता, पाकिस्तान को उन लोगों को सख्त सजा देनी चाहिए जो चीनी शहरियों पर होने वाले मोलक हमलों में मुलव्वस हैं। चीनी सफीर का कहना था कि उनके सदर जी पंग अपने शहरियों की सलामती के हवाले से बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद हैं और वो अपने लोगों की जिंदगियों को बाकी हर चीज़ पर फौकिया देते हैं। प्रेजेंट ये कि जब भी पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात हुई है तो उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों इदारों और प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी के हवाले से बात की है। उनकी तरफ से
ये जुमले अदा करना और फिर इस बात का इजहार करना कि चीन पाकिस्तान के साथ इक्तसादी तावन को मजीद गहरा करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को चीनी शहरियों के लिए मुनासब माहौल भी फराहम करना होगा। उनका यह भी कहना था कि प्रेसिडेंट जी ने हमेशा कहा कि सिक्योरिटी तरक्की की जामन और तरक्की सिक्योरिटी की जामन है, हम मिलकर दहशत गर्दों के खिलाफ क्रैक डाउन कर सकते हैं। यानी उन्होंने ये जो थे जनाब सागदार साहब, उनकी तरफ से जो की दी जाने वाली स्टेटमेंट थी उसको उनके मुंह पर उसी सेमिनार के अंदर रिबर्ट किया और उन्होंने कहा कि जनाब वजीर खारजा साहब झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अगले दिन चाइनीस सफीर ने ऑफिशियली वज़ीर ख़ारजा के हवाले से, उनकी इस स्टेटमेंट के हवाले से अपनी शिकायत को दर्ज कराया और इसके लिए वो वज़ारत ख़ारजा गए और वज़ारत ख़ारजा जाकर उन्होंने पाकिस्तान के जो अहम तरीन सफारती अहदेदार हैं, सेक्रेटरी ख़ारजा समेत दीगर अहदेदार, उनके सामने वज़ीर ख़ारजा की इस नामुनासिब और गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और इस हवाले से एक एहतजाजी डॉक्यूमेंट जो है वो वज़ारत ख़ारजा के अंदर जमा कराया और ये भी अनप्रेसिडेंट है। इसका मतलब ये है कि उनकी तरफ से इस एहतजाजी रद्दे अमल को चाइनीज गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल है। अब यकीनी तौर पर ये जो इसहाक डार साहब की तरफ से हरकत फरमाई गई, ये मौजूदा सूरत हाल में जो मौजूदा गवर्नमेंट है और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है और बुनियादी तौर पर चीन ने इसहाक डार साहब के खिलाफ ये जो उनकी तरफ से ये जो एक शिकायत दर्ज कराई गई है मुबैना तौर पर, उसकी बेस के ऊपर यही एक नतीजा निकला जा सकता है। ये तो नहीं है कि सागर में उल्टा ठांग देता जाए, यही एक तरीकाकार इस सारी सूरत हाल को डिफ्यूज करने के लिए मेरा ख्याल है कि ज़रूरी है कि इसहाक डार साहब से वज़ारत ख़ारजा का जो है वो कलमदान वापस ले लिया जाए। आपको याद है कि माजी में इमरान खान साहब ने ये जो डी जी आई एस आई के हवाले से जो एक मामला था इस्टेब्लिशमेंट का, उसको तस्लीम नहीं किया था, तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ जो है वो अपने सेम पेज को बरकरार नहीं रख पाई थी, अगरचे इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त भी इमरान खान साहब को अब जो अपनी लिए एक फेवरेट को तसव्वुर कर रही थी और अब भी बहुत सारे हलकों के अंदर इमरान खान साहब एक फेवरेट के तौर पर ही कंसिडर किए जाते हैं। जनाब वज़ीर आज़म साहब इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा हैं कि वो अहम टास्क मास्टर हैं, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में मामलात को डील करते हैं और उनकी अदम मौजूदगी में जो कुछ यहाँ पर हुआ ये बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है और ये जो ऑप्शन उनके सामने रखा गया है मेरा ख्याल है कि यही सूरत हाल को डिफ्यूज़ कर सकता है, क्योंकि मुमकिन तौर पर अगर ये सब कुछ ना हो और किसी तरह की कोई कार्रवाई ना हो तो जिस तरह चाइनीज़ सफीर की तरफ से ये बात कही गई है कि जब तक जो है वो सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बनाया जाएगा ना सीपैक आगे बढ़ेगा और ना ही सीपैक के तहत चलने वाले प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगी और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान में ना आना इनफैक्ट पाकिस्तान के लिए माशी मुश्किलात का सबब बनेगा जो इस वक्त पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। लिहाजा यही एक ऑप्शन है, चाइनीज़ सरमायाकारी, चाइनीज़ सरमायाकारी के लिए चाइनीज़ बशिंदों की सिक्योरिटी और उसके साथ साथ इस सारे अमल के अंदर प्रेसिडेंट जी का नाम इस्तेमाल करना और उनको इस बारे में इन्वॉल्व करने पर जनाब इसहाक डार साहब की खिंचाई या इसहाक डार साहब की वज़ारत ख़ारजा से बरतरफी, इससे कम मेरा नहीं ख्याल कि और कोई चीज़ कबूल होने जा रही है। और इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से ना सिर्फ यकसू है बल्कि उसका ये मानना है कि इससे कम कोई सौदा कबूल नहीं हो सकता। ऑप्शन आपके पास हैं, इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपने कबूल करना है वो बॉल इज इन योर कोर्ट। इससे कम मेरा नहीं ख्याल कि अब कुछ होने जा रहा है। देखना यह है कि इसहाक डार साहब के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वन पेज को बरकरार रखेंगे, सेम पेज को बरकरार रखेंगे या समदी जी को काबीना में बरकरार रखेंगे। इंपॉर्टेंट डिसीजन है, अपनी जगह जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।